अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों का हफ्तावार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी लेकर हम हाजिर हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश हो रहा है और इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब के जरिए भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है और यूट्यूब पर आप हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम भी सर्च कर सकते हैं, डीडी कशीर और फिर खेल और खिलाड़ी टाइप करके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक मेहमान हैं और मेहमान का ताल्लुक गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल से है। आप भी हमारे आज के मेहमान से फुटबॉल के हवाले से बात कर सकते हैं। फोन नंबर 2481813 और 2481832 पर फोन करके अब से तकरीबन 6-7 मिनट के बाद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम फोकस रखते हैं लोकल स्पोर्ट्स पर और आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से, जिनके लिए चलते हैं मेरे साथी इमरान बशीर के पास। शुक्रिया इमरान गुल और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान बशीर और प्रोग्राम है खेल और खिलाड़ी और ये बारी है मकामी खबरों की। और इस हफ्ते मकामी खबरों में ज्यादातर फुटबॉल की जो एक्टिविटीज़ है वो देखने को मिली, लेकिन फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट के जो इवेंट्स है वो भी मुनक्कद किए गए और इनको सम अप करके हमने आपके लिए तैयार किया है आज का मकामी राउंड अप। तो आगाज जो है हाजिन सॉकर कप की इस खबर से। हाजिन सॉकर कप सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। पहले सेमीफाइनल में आरको एफसी ने डीएफए बड़गाम को 2-1 से हरा दिया। आरको एफसी की जानिब से शाहिद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। डीएफए श्रीनगर एनुअल लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में रंगरेट एफसी और कोट रोड एफसी के दरमियान मुकाबला 1-1 से बराबर। दूसरे मुकाबले में यंग इकबाल एफसी को तौहीद एफसी राजबाग ने 0-2 दो गोलों से हरा दिया। अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम में अनंतनाग फुटबॉल टूर्नामेंट जारी। कल के मुकाबले में इस्लामाबाद एफसी ने यूनाइटेड एफसी को पेनल्टी शूटआउट के जरिए हरा दिया। मोहम्मद सलीम को मिला मैन ऑफ द मैच का एजाज। बांडीपुरा में दादासर मेमोरियल लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में बीएन गाजी एफसी ने आरागाम एफसी को 2-0 से हरा दिया। वहीं फर्स्ट राउंड का आखिरी मुकाबला रियल वुलर एफसी की झोली में। जेकेएफए की फुटसाल चैंपियनशिप गिंदुन स्टेडियम में जारी ताजा मुकाबले में सैयद ताजुद्दीन एफसी ने महाराजा स्पोर्ट्स को 1-5 गोलों से हरा दिया। दूसरे मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज ने रियल कश्मीर अंडर 18 को 2-0 के स्कोर से हरा दिया। छठे जेएमडब्ल्यू फुटबॉल इन्विटेशन कप में भी डाउनटाउन हीरोज छा गए। जी हां, एसटीएफसी नटीपुरा को डाउनटाउन हीरोज ने 2 गोलों से हरा दिया। सीर स्पोर्ट्स की टीम बनी मुंबई प्रीमियर लीग की चैंपियन। टाइटल क्लैश में सीर स्पोर्ट्स ने मुचीपुरा 11 को 60 रन से शिकस्त दी। 38 गेंदों में 87 रन बनाए आफाक ने और वो फाइनल मुकाबले के लिए बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाह शरीफ प्रीमियर लीग में कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजेट की टीम ने नारू क्रिकेट क्लब को 50 रनों से हरा दिया। एजाज अहमद ने टीम के लिए 4 विकेट हासिल की। और पीपीएल 2021 सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। रामहाल रेड्स ने बर्षा बड़कूट को 37 रन से हरा के सेमीफाइनल के लिए जगह बनाई। इरफान ने रामहाल की जानिब से 24 गेंदों में 49 रन स्कोर किए। तो नाज़रीन, ये था आपके लिए मकामी खेलों का राउंड अप। प्रोग्राम में आगे क्या कुछ है इसके लिए हम चलेंगे मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है आपको लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप पसंद आया होगा और हमारे खिते में जो खेल मशहूर है उसमें क्रिकेट एक खेल जो है वो टॉप पर आता है। और जहां लॉर्ड्स टेस्ट में भारत ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, वहीं लीड्स टेस्ट में भारत ने अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत की है और देखना यह है कि वो इंग्लैंड की एक बड़ी लीड को किस तरह से यहां से फाइट बैक करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर। पहली खबर है क्रिकेट से। लीड्स टेस्ट की दूसरी इनिंग में भारत की बैटिंग जारी। पहली इनिंग में भारत महज 78 रन पर आउट। जेम्स एंडरसन की एक और बार तिलिस्मी गेंदबाजी। जो रूट की सीरीज में शानदार तीसरी सेंचुरी। इंग्लैंड की पहली इनिंग 432 रन पर सिमटी। भारत पर 354 रन की लीड हासिल की। टोक्यो में जिस्मानी तौर खास खिलाड़ियों की पैरालंपिक्स 2020 जारी। भारत के राकेश कुमार रहे आर्चरी की इंडिविजुअल कंपाउंड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर। पावर लिफ्टर सकीना खातून रही 5वें नंबर पर। भारत के 54 खिलाड़ी कर रहे हैं 9 इवेंट्स में शिरकत।
साल के चौथे और आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पहले तीन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सर्बिया के जोकोविच करेंगे ग्रैंड स्लैम 2021 मुकम्मल करने की कोशिश। डोमिनिक थीम नहीं कर सके शिरकत यूएस ओपन में क्योंकि वो जख्मी हैं। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी और शाहीन आफरीदी की 10 विकेटों की बदौलत पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 109 रन से हराया और दो टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म की। इंग्लैंड के साबिक कप्तान और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टेड डेक्स्टर बुधवार 25 अगस्त को 82 साल की उम्र में चल बसे। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट खेले और उसमें 30 टेस्ट में कयादत की। 1960 में भारत की ओलंपिक फुटबॉल टीम के रुकन और साबिक इंटरनेशनल फुटबॉल रेफरी और कोच सईद शाहिद हकीम 82 साल की उम्र में इतवार के रोज इंतकाल कर गए। चैंपियंस लीग के ड्रॉज का ऐलान हो गया। पीएसजी का मुकाबला होगा मैनचेस्टर सिटी के साथ। दोनों टीमें ग्रुप ए में रखी गई हैं। आईपीएल के मैच में टीम सूदी करेंगे रिप्लेस पैट कमिंस को और आदिल रशीद पहली बार नजर आएंगे आईपीएल में और खेलेंगे किंग्स 11 पंजाब की तरफ से। और रमीज राजा एहसान मानी के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं और मजबूत उम्मीदवार की तरह सामने आए हैं रमीज राजा और हो सकता है कि वो पीसीबी के अगले चेयरमैन होंगे। नाजरीन, ये था नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का राउंड अप और अब प्रोग्राम में बारी है मेहमान से मिलने की। कौन है आज के मेहमान ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन खयाल। दोस्तों, फुटबॉल वादी का मकबूल तरीन खेल है। इस खेल ने बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हमें दिए हैं, लेकिन जब एक खिलाड़ी अपने उरूज पर पहुंचता है तो उसके सामने सवाल खड़ा हो जाता है, अब क्या? क्योंकि हर कमाल रा जवाल अस्त, हर कमाल का जवाल है। तो ऐसे में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात का फैसला करते हैं कि आइंदा की लाहे अमल क्या होगा, तो वो इसी खेल में जुड़ जाते हैं कोचिंग के जरिए और कोच बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम आपके जहन में आते होंगे। अब्दुल मजीद ककरू, जो कि भारत के कप्तान रहे हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी कोचिंग अपनाई। इसी तरह अशफाक अहमद, हाल ही में उन्होंने भी बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है कौमी सतह पर और उसके बाद वो कोच बन गए। मिराजुद्दीन वड्डू हैं, वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अब बहुत नाम किया उन्होंने, वो भी आखिर कोचिंग की तरफ आ गए। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि पहले से ही फैसला करते हैं फुटबॉल को एक प्रोफेशन के तौर पर लेने का। ऐसे ही एक मेहमान हमारे पास हैं, आइए मिलते हैं मसूद मकबूल से। मसूद, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। देखिए मसूद, जब एक खिलाड़ी होता है फुटबॉल खेलता है उसके बाद उसके सामने एक मंजिल होती है, वो मंजिल को जब अचीव करता है उसके बाद वो सोचता है कि अब मेरी कौन सी मंजिल होगी, और ऐसा होता है कि वो फिर बिल्कुल फेड आउट हो जाते हैं खिलाड़ी। लेकिन आपने बहुत कम उम्र में ही इस बात का फैसला किया कि फुटबॉल के बाद आप कोचिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले ये बताएं कि फुटबॉल का सफर कैसे शुरू किया? बिल्कुल सही, बेसिकली मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मेरा फादर भी एक फुटबॉलर ही रह चुका है, तो वो वैसे थे गोलकीपर खेलते थे, तो जो ही मेरे फादर साहब ग्राउंड में जाते थे, वो मैचेस होते थे उनके, तो वो मेरे मुझे गोल पोस्ट के पीछे रखते थे। मकबूल साहब जो गोलकीपर, जो मेरे फादर साहब गोलकीपर थे, तो तभी मैं उनको देख देख के ही ये फुटबॉल गेम क्या है बस ऑब्जर्व करके करके मैं देखता गया ये गेम, तो मुझे बहुत शौक हो गया। फिर स्कूल लेवल पे मैंने खेला, तो स्कूल लेवल पे भी मुझे बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि आप फुटबॉल खेलो, आपके फादर साहब भी फुटबॉलर हैं, तो ऐसे ही मुझे बचपन से ही शौक था। यानी आपके खून में ही फुटबॉल? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके वालिद मकबूल साहब वो एमडी मोहम्मदन की तरफ से खेलते थे, गोलकीपर थे बिल्कुल, और अच्छे खिलाड़ी थे। जाहिर है कि उनके नक्शे कदम पर चलने का ख्वाब आपका रहा होगा, तो इस नक्शे कदम पर आप चलते रहे, आगे कौन सी मंजिल हासिल की आपने? आगे फिर सफर चलता गया और मैं स्कूल लेवल पे खेला, उसके बाद स्टेट को रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैं फिजिकल कॉलेज गांधरबल गया। अच्छा, तो फिजिकल कॉलेज गांधरबल से मैंने ट्रेनिंग की, वन ईयर का कोर्स था हमारा, बीपीएड का, बीपीएड का होता, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, उस इस्लामिया कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, तभी उधर से मैंने फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो क्योंकि वो रेजिडेंशियल कोर्स होता है तो बच्चा घर नहीं जा सकता है, एक रेजिडेंस में रहना पड़ता है वहाँ, तो वहाँ पे मैंने फिर एमपीएड किया। एमपीएड के बाद मेरी सिलेक्शन हो गई कश्मीर यूनिवर्सिटी में, मैंने
कश्मीर यूनिवर्सिटी को बैसे कैप्टन रिप्रेजेंट किया, तो वो टीम हमारी बहुत अच्छी इंटर यूनिवर्सिटी में, इंटर यूनिवर्सिटी में। और वो अच्छा, इंटर यूनिवर्सिटी में जब आप गए कौन सी जगह गए और वहाँ आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली साजिद साहब हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही वहाँ। वो चंडीगढ़ में हुआ था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला था, और वो जितने भी प्लेयर हैं सारे प्लेयर अभी आकिब अनंतनाग का वो भी मेरी कैप्टनशिप में ही खेला है और बहुत अच्छा प्लेयर है स्टेट का। और बहुत अच्छा, कौन सी हमारा प्री क्वार्टर में हो गया था वहां। अच्छा, पर यानी अच्छी कारकर्दगी रही, लेकिन वहां पर जब आप गए आपने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो जाहिर है आपको दो शख्स याद आए होंगे फौरन, एक तो वालिद आपके बिल्कुल, और मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब के बारे में, हनीफ साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मुझे याद है कि मुझे फादर साहब ने ग्राउंड में लिया था, बोला था हनीफ साहब को कि इस बच्चे को बहुत शौक है, इसको सिखाइए। तो मुझे जो बेसिकली कोचिंग मिली है वो हनीफ साहब ने ही मुझे दी है, वो स्टेडियम कॉलोनी से। तो बहुत मशहूर थे, बहुत मशहूर थे, हमारे इस प्रोग्राम में भी कई बार आए हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, छोटे कद के थे लेकिन उनकी ड्रिबलिंग और उनकी जो टेक्टिक्स और स्किल्स और स्पीड वगैरह थी वाकई काबिलेदाद थी। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला मगफरत करे। अच्छा, यानी हनीफ साहब ने आपको कोच किया इब्तिदा में, और उसके बाद जब इंटरनेशनल में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरे के साथ में आपने बीपी एड भी ज्वाइन किया, तो यानी उस वक्त आप फैसला कर चुके थे कि फुटबॉल को एक प्रोफेशन के तौर पे लेना, न सिर्फ बहसत खिलाड़ी लेकिन बाद में आपको कोचिंग की तरफ भी जाना है। तो इस फैसले पर आपको अमल करने के लिए किसने आपको तहरीक दी और कैसे आपने फैसला किया? मुझे लगता है बेसिकली अपने घर से ही जो कल्चर मिलता है ना स्पोर्ट्स का, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। और आपके घर वाले ऑफकोर्स आपकी फादर मदर सपोर्ट करते हैं आपको हर एक चीज़ में, तो वो एक रास्ता खोलते हैं इंसान के लिए कि नहीं आप जाओ आगे कहाँ जाना चाहते हो। तो वहाँ पे मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, और मैंने खेलने के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया। अच्छा, एमपीएड किया बाद में, और उसके बाद मैंने पीएचडी भी किया। हाँ। फिजिकल एजुकेशन में, और मैंने ये दिमाग में रखा था कि मुझे बस इसी प्रोफेशन में जाना है और इसी प्रोफेशन से मेरी जो ये मेरा पैशन है और इसी और यही मेरी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप ब्राजील पहुंचे, ये ब्राजील का सफर कैसे हो गया? एक्चुअली कोच मार्कोस थे यहाँ पर, जिन्होंने हमें कुछ बच्चों को बुलाया, बोला एक्चुअली आई नीड टू पुट द कल्चर ऑफ एकेडमीज हियर, तो आई हैव टेकन द इनिशिएटिव। मेरे साथ और पांच लड़के थे, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया कि हम एकेडमी खोलेंगे यहाँ पे। ये कहना जरूरी है कि ये जो कोच थे उसमें उस वक्त अगर देखा जाए ये जो सेवन साइड इंट्रोड्यूस किया गया, या आप बर्फ में जो फुटबॉल खेलते हैं उसको आपने इंट्रोड्यूस किया, तो यही कोच थे जिन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया वहां पर, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। उनके बारे में यही था कि उन्होंने एक कल्चर लाया यहाँ पर, जो एक कल्चर था कि सेवन ए साइड फुटबॉल और विंटर। अच्छा, पहले जो हमारे यहाँ सर्दियों में बिल्कुल मुंजमित हो जाती थी सरगर्मियां, फुटबॉल की भी जाहिर हो जाती, लेकिन उसके बाद जो ये टीआरसी का सिंथेटिक टर्फ बना है उस पर बर्फ में भी अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं, बर्फ में भी हमने यहाँ टूर्नामेंट मुनाकिद किए हैं और साल भर फुटबॉल चलती रहती है, इसके बारे में बताइए। जो आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं यहाँ सिंथेटिक टर्फ पे, इससे कितना फायदा हुआ है फुटबॉल को? एक्चुअली जो ये सिंथेटिक टर्फ है ये बहुत यूजफुल है हमें विंटर स्पोर्ट्स के लिए, तो जो एकेडमीज हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये सिंथेटिक टर्फ, क्योंकि इस पे हमें किस एज ग्रुप के आप बच्चों को ये बच्चे स्टेट फुटबॉल एकेडमी के हैं, इट इज अराउंड टू इयर्स बैक एंड आई वाज कोच इन अंडर 18, अंडर 18 को मैं कोच कराता था, तो हम बच्चों को नहीं रोकते थे, हम पूरा साल उधर बच्चों को ट्रेनिंग कराते थे। कोई भी बच्चा आ सकता था ट्रेन, कोई भी बच्चा, एवरी बडी कैन कम, डोर्स वेर ओपन फॉर एवरी बडी, इवन टुडे दैट्स कंटिन्यू, टुडे इट्स कंटिन्यू फुटबॉल स्कूल। अच्छा, मार्कोस ने जब ये इंट्रोड्यूस किया सेवन ए साइड, उस वक्त आप उनसे जुड़े रहे और उसकी वजह से भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सामने आए और फुटबॉल को काफी तहरीक मिली। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने मार्कोस को काफी सपोर्ट किया और एक ऐसा चैप्टर फुटबॉल का यहां शुरू हुआ जिसकी वजह से हमारा फुटबॉल जो है वो एक नई मंजिल अचीव करने में कामयाब हो गया। तो बच्चों को कितना अहम है फुटबॉल की तरफ रागिब करना और किस एज से करना चाहिए? मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो पेरेंट एजुकेशन है स्पोर्ट्स में, पेरेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक पेरेंट को हम कन्वे करते हैं ना कि स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन है, जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनता है तो वो प्रोफेशन है उसका। और देखिए जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं चाहे सर्दी हो गर्मी हो,
तो वार्म अप करते हैं, फिजिकल फिटनेस की तरफ आप ध्यान दिलाते हैं, तो बच्चा जो है जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहता है। जब जिस्मानी तौर पर बच्चा तंदुरुस्त रहेगा तो वो जहनी तौर पर भी तंदुरुस्त रह सकता है। तो जाहिर है कि एक तंदुरुस्त बच्चा वही आगे बढ़ सकता है, किसी भी फील्ड को चुन सकता है, पढ़ाई में भी आगे बढ़ सकता है, खेल में भी आगे बढ़ सकता है, और चाहे तो दोनों में आगे बढ़ सकता है, दोनों में। तो इसमें वालिदैन का कितना रोल है और यहाँ के स्कूल्स का कितना रोल है? एक्चुअली आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, तो एक्चुअली जो रियल टैलेंट है ना वो स्कूल से निकलता था, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस कोविड की वजह से हमारी कुछ एक्टिविटीज रुक गई, बट इंशाल्लाह हम आई होप कि एक्टिविटीज और रिज्यूम होंगी। और एक बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां भी अब फुटबॉल की तरफ आ रही हैं। बिल्कुल, तो लड़कियों को भी आप ट्रेन करते हैं और वो नेशनल चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ अच्छी लड़कियां आगे आके उन्होंने फुटबॉल में काफी नाम किया है। लेकिन ये छोटी छोटी लड़कियां, इनको इस उम्र से जब आप ट्रेन करते हैं तो इससे फ्यूचर जो है, जहां तक खवातीन की फुटबॉल का ताल्लुक है, कितना रोशन हो सकता है? बिल्कुल, दिस इज इन कोल्हापुर, ये एक्चुअली कोल्हापुर मैंने अंडर 16 टीम ली थी, तो वी हैव डिफीटेड केरला देयर एंड द फर्स्ट टाइम, और हमारी गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहां पर। इसमें मुझे बहुत दिक्कत आई इस टीम में बनाने के लिए, क्योंकि इसमें तो पेरेंट्स का मसला होता था। जी जी, तो पेरेंट्स, आई शुड टॉक विद द पेरेंट्स, एवरीथिंग इज, उनको कन्विंस कन्विंस करना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी जॉब, बट यू हैव सक्सीडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यू हैव टेकन सो मेनी गर्ल्स टू कोल्हापुर एंड देन दे हैव प्लेड वेरी वेल, वेरी वेल, एब्सोल्युटली। तो अब वापस आते हैं हम एनआईएस की तरफ, इस दौरान आपने एनआईएस में भी कोचिंग की। एक्चुअली एनआईएस के बारे में तो सुना था हमने कोचेस से, बड़े बड़े कोचेस से, कि एनआईएस पटियाला क्या होता है, बट मुझे लगता है कि अभी पटियाला की बात बाद में करते हैं, पहले दिल्ली से एक कॉल रिसीव करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आदाब आदाब भट साहब, आप हाँ, कैसे हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हूँ? मैं जी, देख रहा था ये होनहार लड़का आपने लाए, इसको इंटरेस्ट था, मगर उससे आपने बोला एक प्लेयर था, जब मैं छोटा था फिफ्थ सिक्स में पढ़ता था, मैं फुटबॉल को बहुत पसंद करता हूँ, इवन दो आई एम इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेटर, आई वॉज इंटर क्रिकेटर, मगर मैं आपने बात एक अब्दुल मजीद कपरू के बारे में, वो बेहतरीन खिलाड़ी था, ही वॉज इंटरनेशनल खिलाड़ी, जब मैं देखता था उसकी बॉल, दैट वॉज ड्रिबलिंग इन ए वेरी नाइस वे, वो शॉट भी मारता, उसका फोर्स था टांग, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ हमें इंडियन जो फुटबॉल है, इंडियन प्लेयर्स को हमें ड्रिबलिंग करने की ज्यादा आदत है। अगर फॉरेन में देखेंगे मेसी रोनाल्डो या ऑल प्लेयर्स, दे आर वेरी फास्ट ट्रैक, जहां करना है ड्रिबलिंग वहां करो, मगर हमारे वेट करते हैं अपने पास ही, वो दे आर गिविंग पासिस वेरी फैंटेस्टिक। अगर ये ड्रिबलिंग ज्यादा न करे हमारे इंडिया प्लेयर, तो हमारे कश्मीर में भी माया नाज खिलाड़ी है और निकल सकते हैं, और मेसी भी बन सकते हैं रोनाल्डो, मगर ये ड्रिबलिंग ज्यादा करते जिस पर फॉरेनर हमारी बाल छीन लेते हैं। जी, मैं बात करता हूँ मसूद साहब से इस बारे में, पास ऑन द बॉल। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। असल में ये भट साहब इशारा कर रहे हैं वन टच फुटबॉल का, कि जो हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है, कुछ टीमों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की कि अब बॉल अब पोजीशन फुटबॉल खेलिए, लेकिन बॉल को अपने पास कम से कम वक्त रखिए और उसके बाद पास ऑन कीजिए, बॉल मिली वन टच, आगे बढ़िए, चलते रहिए गोल की तरफ जाइए। तो यहां पर ड्रिबलिंग क्यों ज्यादा होती है और एरियल फुटबॉल क्यों खेला जाता है ज्यादा? एक्चुअली ये कोचिंग वहां पे आती है, एक्चुअली हमारे बच्चों को उस तर्ज की कोचिंग नहीं मिलती है कि उनको एक आदत बनती है, यानी यहां पर आपका रोल आता है। बिल्कुल, हमें हमारे कोचों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब बच्चे को सिखाते हैं ना, तो बचपन से उसको हम ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि वो ड्रिबलिंग ना करे। जैसे हम मेरा एक सेशन है, तो मैं बोलूंगा कि टू टच गेम, तो जब मैं बोलूंगा टू टच गेम, ही हैज टू रिलीज द बॉल, सो उसका एक हैबिट बनता है बचपन से ही, कि वो एक हैबिट बनता है उसको, फिर वो आगे जाके प्रोफेशनल जब बनता है तो वो ड्रिबल जब उसको जरूरत है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि जब बच्चे को जरूरत है ड्रिबल का तो तब करो, जब जरूरत नहीं अननेसेसरी, फिर उस बच्चे से स्नैच होता है बॉल। सही बात। अच्छा, चलते हैं दोबारा पटियाला। पटियाला का मुझे सुना था मैंने बड़े बड़े कोचों से, तो बड़ा डिफिकल्ट है वहां एनआईएस करना, और एक चीज है कि वहां से एक कोच कंप्लीट कोच निकलता है, और वहां डिसिप्लिन सीखता है इंसान, और लाइफ मतलब लाइफ का एक मतलब समझता है वहां, क्योंकि वहां पे आपको सफाई भी खुद करनी है, ग्राउंड की सफाई भी करनी है, और बॉल्स भी उठानी है, और हर एक चीज आपको करनी है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, इट्स नॉट अबाउट फुटबॉल ओनली। फिर आपने ई लाइसेंस को इंस्ट्रक्टर्स कोर्स किया, यानी आप
कोचेस को सिखाने का कोर्स करके आए हैं। बिल्कुल, यानी कोचेस से भी एक कदम आगे। एक्चुअली आई फील आई एम स्टिल जीरो इन फुटबॉल, आई नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज यहाँ के बड़े बड़े कोचेस वो भी बोलते हैं यही कि हम अभी जीरो हैं, फुटबॉल बहुत डीप है। तो जो एक्चुअली मैंने ई लाइसन इंस्ट्रक्टर्स कोर्स किया वो गोवा में हुआ, तो उसमें मुझे जे एंड के फुटबॉल एसोसिएशन ने सपोर्ट किया कि आगे लिया कि आप जाइए हम आपके साथ हैं, और लोन स्टार कश्मीर। अभी देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फिर जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन, ये लोग बहुत दे आर वर्किंग इन टैंडम, और इस बारे में बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि कोचेज के लिए भी इंस्ट्रक्टर्स हों, कि कोचिंग अगर अच्छी होगी तब जाके वो बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चे फिर जाके अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। यानी कोचेज के इंस्ट्रक्टर जो हैं उन पे काफी दारोमदार है और उसके बाद कोचेज पे, तो कितना अहम है ये फुटबॉल के लिए। और इससे ये जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे कोचेज बनाए, उससे हमारी फुटबॉल को कितना फायदा हो सकता है। एक्चुअली जब मैं बाहर गया ना ब्राजील, तो मैं देखा कि उनकी कोच एजुकेशन बहुत ही स्ट्रांग है, और जब मैं फिर बाहर की स्टेट्स में गया तो सारा जो ये डिपेंड करता है ना, ये कोच एजुकेशन पे डिपेंड करता है। जब एक हम यहाँ पे किसी कोच को देखे तो वो बोलता है कि आई नो एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल, इट्स अबाउट पास रिसीव एंड गिव, इट्स नथिंग। मसूद साहब इस दौरान एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से फोन कर रहे हैं। तो पानू नाव जनाब थे, तो टेलीविजन सेट तमिक वॉल्यूम थे तो कम पहन आवाज गए इको। अच्छा प्रिस तो सवाल गोड़ बन तो पानू नाव तो बेबन तो कत पे छु फोन करा। मैं छु आशी सर, कत पे जनाब छु फोन करा। बस मे वो जीएम बस हाई पर का। अच्छा जनाब वेलकम सर, अब प्रिस तो सवाल मसूद सबस। मैं तो आशी तो छु गेमन मुतलिक वनानी मन खिलाड़ी। हां अत मज ब्रोठ पोलो 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 गेम बी हॉर्स रेस सोचा टूरिस्ट सेंटर बी पोलो ग्राउंड गिंद सह पोलो मगर तमिक वजूद गो सह खत्म तमिक तो सो गेम क्या करो खत्म। शुक्रिया अमि सवाल खतर, हालांकि यह रेलिवेंट सवाल कह सोन गेस्ट मसूद सब तिम खेलिवेंट बह दुक जवाब। एक्चुअली जो आप ये पोलो की बात कर रहे हैं, पोलो के बारे में मैं आपको बता दूं कि पोलो गेम जो है पोलो ग्राउंड में वाकई आपने सही कहा खेली जाती थी। पोलो ग्राउंड में काफी जो मट्टी है उसको रेतीली मट्टी होती थी, इसी वजह से ताकि पोलो साल भर खेली जा सके। और पोलो के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए, यहां भी हुए, एसपी कॉलेज में भी हुए, लेकिन अब ये पोलो का खेल महदूद हो गया है लद्दाख में, लद्दाख करगिल उस साइड में ज्यादा पोलो खेली जाती है। सही है आपका कि इस खेल को भी आगे बढ़ाना चाहिए, दोबारा से यहां पे ये खेल होना चाहिए। हम आते हैं आपकी तरफ, आखिर में क्या आप पैगाम देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, छोटे बच्चों को, क्योंकि आपने इसको फुटबॉल को प्रोफेशन के तौर पर लिया है और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में आप एक ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्या फुटबॉल को एक प्रोफेशन के तौर पर लिया जा सकता है, इज इट ए सेफ बेट? बिल्कुल, हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट में। देखिए दानिश हैं जो एक अभी आईएसएल टीम साइन किया है, वो तो ये तो इंस्पिरेशन है बाकियों के लिए। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हर एक पेरेंट को कि आप अपने बच्चे को छोड़िए जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, और आप उसको छोड़िए और फिर देखिए वो क्या करते हैं। और स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन है, और अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, अपने बच्चों को छोड़िए जिस गेम में वो जाना चाहे। वदर जैसे आपने पढ़ाई भी की, आपने स्पोर्ट्स को भी अपनाया, दोनों चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मसूद मकबूल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और दोस्तों अब चलते हैं दोबारा इमरान गुल के पास। शुक्रिया नाजरीन, उम्मीद है आपको ये मुलाकात जरूर पसंद आई होगी, खासकर इस नौजवान ने जो है ब्राजील का विजिट किया है, और ब्राजील आपको पता है दुनिया की फुटबॉल का मरकज है, न्यूक्लियस है। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं कल सुबह 9:10 पर। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।